सावधान मालेगांव न्यूज। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग ने मालेगांव शहर के अंदर काफ़ी जगह हम लोग दौरे किए है कि नहीं, और कई कारपोरेटर जो 5 साल इन्होंने अपनी नुमाइंदगी करे वार्ड के अंदर, और फिर उन्होंने वो चुनकर भी आए, पर 5 साल तक के वार्डों के अंदर कोई काम नहीं किए लोगों ने। धर्मनारायण भामरे और अजीज मुल्ला और ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके वार्डों के अंदर जब मैं राउंड मारा तो वहाँ कोई मूलभूत सुविधा है नहीं। करोड़ों का फंड ये लोग लेते हैं और ये फंड बेच डालते हैं। मुझे ये मालूम पड़ा कि इन्होंने कॉरपोरेशन के फंड को बेच डाला है। तो हमने अख्तराबाद के अंदर रजा ईदगाह के पीछे जो बस्ती है वो अभी वहाँ भी हमने दौरा करा, वहाँ के पूरे साफ सफाई का निज़ाम बिठाया, और वो इतना बड़ा नाला है, वो नाले के अंदर से वहाँ की जो औरतें हैं उन्होंने कहा कि भाई हाजी साहब यहाँ से बड़े बड़े सांप निकलते हमारे घरों में आ जाते, नल का और नाले का पानी पूरा हमारे घरों में आ जाता। वो सारी चीज़ें हम लोग जब देखे तो कमिश्नर को हमने लेटर दिया कि अगर तुमने ये साफ सफाई नहीं करे तो हम लोग तो इसके बाद बोलेंगे नहीं, हम तकरार भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट घेराव कर लेंगे कॉर्पोरेशन का। तो उसने कहा कि हाजी साहब बोले मैं तुमको 2-3 दिन में वहाँ साफ सफाई कराता हूँ, है ना। हम लोग मैं ये चाहता हूँ पूरे मालेगांव शहर के आवाम से गुजारिश करता हूँ कि तुम लोग जो है खुद है तो एक तुम लोग खुद इस देश के राजा हो, इस शहर के राजा हो, कि तुम्हारे पैसे से इनकी सबकी पगार पूरी होती है, तुम्हारे पैसे से कॉर्पोरेशन चल रही है, तुम लोग को सुविधा तुमको इन्होंने देना चाहिए, केयर पट्टी, नल पट्टी, घर पट्टी, ये सारी आपसे हर पट्टी आपसे वसूल की जाती है, पर आपको सुविधा नहीं दी जाती है। तो आप लोग खुद इसके अंदर जागरूक हो कि अभी जितने भी लीडर चल रहे हैं मार्केट के अंदर, ये सिर्फ आपके लिए वोट के लिए आपके पास आ रहे हैं, आपके वोट आप उसे लेके चले जाएंगे, उसके बाद ये इनके खुद के वार्ड में नहीं मिलेंगे आपको, ये वार्ड में ये मौजूद नहीं मिलेंगे, इनके खुद के वार्ड के लाले पड़े हुए हैं। जितने लोग घूम रहे हैं अभी इनके खुद के वार्ड के अंदर काम नहीं है सर। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप खुद जागरूक हो, आप खुद मेंबर बनो, आप खुद लीडर बनो, मुझे साथ में लो, मेरा लीडर इस्तेमाल करो, और जहाँ तक हो सके हम लोग पूरी ताकत से काम करेंगे। कमिश्नर को आज वहाँ पर वो सारे कॉर्पोरेटरों का भी आज बाप बनकर बैठा है, उसको काम हर हाल में करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे, उसकी तकरार करेंगे, उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकता हूँ मैं। ये इतनी ताकत रखते हैं हम लोग असल में। अभी वार्ड नंबर 3 में हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पूरे वार्ड का मैंने दौरा किया, यहाँ ना यहाँ रोड है, ना यहाँ पे गटरे साफ हो रही है, यहाँ के कचरे का अंबार पड़ा हुआ है, और यहाँ की औरतों को इतनी सारी तकलीफें हैं कि इसकी इंतजार नहीं है, मैं बता नहीं सकता। असल में ये सारी गलती यहाँ के वार्ड के जो मेंबर रह के बैठ चुके हैं अभी एक किनारे मैंने छुप गए एक उड़ी के अंदर, ये उनका काम है, उन्होंने करना चाहिए था, उन्होंने काम नहीं किया। अब आवाम को मैं जागरूक कर रहा हूँ, और अभी नौजवान तबके से मैंने बात किया हूँ कि आप लोग होटलों में बैठ कर चाय पीते हो आराम से, और आपके वार्ड के अंदर इतने सारे मसाले, आप लोग खुद खड़े हो उसके लिए, किसी लीडर के भरोसे काम मत करो, हम खुद कर। जब ये वोट मांगने आए, जब इनको सबक बताओ, जब इनको रास्ता बताओ कि आपने हमारे लिए क्या किया, ये उनसे पूछो। ये कोई आप पर एहसान नहीं करते, ये लोग इनका फर्ज बनता है, ये पगार लेते वहां से कॉर्पोरेशन से, और वो पगार आपके पैसे की है। आप जो टैक्स भरते हो, आज जो गवर्नमेंट को आप जो आज आप एक मामूली से कोलगेट का ट्यूब लेते हो, साबुन लेते हो, शक्कर लेते हो, इसका आप टैक्स भरते हो, जीएसटी भरते हो, कपड़ा लेते हो इसका जीएसटी भरते हो, नल का सामान लेते हो इसका जीएसटी भरते हो, सीमेंट लेते हो इसका जीएसटी भरते हो, ये जीएसटी का पैसे से गवर्नमेंट चल रही है, ये सारा पैसा आपका पैसा है, आप इनसे हिसाब भी मांग सकते हो इस पैसे का। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, आवाम को जागरूक करता हूँ कि अभी लीडरों के ढकोसले मत आओ, है ना, और अभी इलेक्शन बहुत जल्दी करीब आने वाले हैं। ये अभी जो मेंढक के बाहर निकले ना बारिश के, ये सिर्फ इसलिए निकले हैं कि अभी इलेक्शन आने वाला है, ये आपको बताएंगे देखो हम आपके लिए यहाँ लीडर दे रहे हैं, देखो आपके लिए हम यहाँ काम कर रहे हैं, जबकि ये जितने भी ये लोग थे लीडर थे, ये सब चंडाल चौकड़ी के ऐसा काम किए थे उन्होंने, इन्होंने कहा हमको आपस में लड़ाया, MIM पार्टी खड़े रही, कांग्रेस खड़े रहे, कांग्रेस के कॉर्पोरेटर खड़े रहे, राष्ट्रवादी कॉर्पोरेटर खड़े रहे, है ना, ये सारे कॉर्पोरेटर खड़े रहे, जनता दल के कॉर्पोरेटर खड़े रहे, बाद में सब मिल गए और आवाम लड़ ली आपस में, तो इनके झांसे मत आओ, ये आखिरी मिल लेते ही है ना। आज ये बोलते हैं कि फंड लाने तो वहां जाना ही पड़ेगा ना, फंड लाने तो आने पड़े, तो फिर आप वोट टिकट से खड़े क्यों हुए, आपके अंदर खुद गट्स नहीं है, फंड से भीख मांग के लाते हो आप अपना तक गठ पैदा करो कि आपको फंड वहां से चल गया है, कॉर्पोरेट इतना बड़ा एरिया पड़ा हुआ है,
450-600 कोटी का कॉर्पोरेशन है साल का, तुम यहीं से काम करा के बताओ ना आवाम को। इधर से तुम जो जो छिछोरे हरकतें करते हैं सब बंद कर दो मार्केट के अंदर। अभी हमने वो पूरे जो लाइट जो है डिवाइडर के ऊपर जो लाइट लगे हुए हैं ये सारे के सारे बंद है, ये सारे चालू करने के लाइट है मैंने वो दिया अभी, तो सारे लाइट चालू होना चाहिए। अगर नहीं चालू होंगे तो हम लोग तो हमारे हिसाब से चालू करेंगे तो देखेंगे कॉर्पोरेशन कैसे करना क्या करने का। मैं खाली बोलता नहीं हूँ, करके बताता हूँ इंशाल्लाह। मेरे अंदर एक आदत क्या है कि मैं करके बताता हूँ, करके बताऊंगा इंशाल्लाह। और अभी बहुत सारे जगहों पर हम लोग जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आवाम के लिए। ये खिदमत के जज्बे से आ रहा हूँ, कोई सियासत के लिए नहीं आ रहा हूँ। मेरा जज्बा सिर्फ खिदमत का है, जितना मुझसे हो सकेगा मैं खिदमत करूँगा।